क्या आप भी लगातार नल से टपकते पानी से परेशान हैं? क्या आपका नल भी पूरी तरह से बंद नहीं होता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो आपके घर में भी पानी लीकेज की प्रॉब्लम हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि पानी सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, उसे यूं ही बर्बाद ना करें। आज की इस वीडियो में हम इसी का समाधान लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हमें इसे सबसे पहले देख लेना है कि प्रॉब्लम किन वजह से और किन कारणों की वजह से हो रही है। वो देखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टैब हमने बंद करने के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हो रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यह टैब देख सकते हैं पूरा राउंड घूमता जा रहा है, और ज़्यादा ट्राई करने पर भी ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, बूंद बूंद पानी टपकता ही जा रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपके भी घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, इसमें पानी ऑफ नहीं हो रहा हो या बूंद बूंद पानी टपक रहा हो, तो किस प्रकार इसे रिपेयर कर सकते हैं हम घर पर ही, किसी मैकेनिक या किसी प्लम्बर को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कर सकते हैं। बस आपके पास दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक स्क्रू ड्राइवर और दूसरा एक कटिंग प्लेयर। नॉर्मली ज़्यादा तो घरों में ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन थोड़ा महंगा है और दूसरा ऑप्शन सस्ता वाला है। तो पहला वाला ऑप्शन यह है कि इस टैप को पूरा आपको रिप्लेस करना है, जो भी उसका फुल सेट है, ये नया आप परचेस करके फुल सेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इस टैप को रिपेयर करना। इस टैप को रिपेयर करने के लिए आपको शॉप से एक वाल लानी पड़ेगी, जो कि कुछ इस प्रकार की एक वाल होती है, वो 50 रुपये में आपको मिली जाएगी। तो इस वाल को आपको रिप्लेस करना है, तो किस प्रकार रिप्लेस करना है आप आगे वीडियो देख सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर का कैप हमें निकाल लेना है, उसके बाद स्क्रू लगा हुआ है उसके ऊपर, उस स्क्रू को भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करेंगे। फिर उसके बाद ये नॉब है उसका, तो ये नॉब कुछ इस प्रकार निकलता है। उसके बाद आपको एक कटिंग प्लेयर लेना होगा, और कटिंग प्लेयर की मदद से इस वाल को ओपन करना है, यानी बाहर निकाल लेना है। तो इसे हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, और ये वाल आप देख सकते हैं जो कि मैंने इस टैब में से निकाला है, क्योंकि ये टैब हमें कोई यूज़फुल है नहीं, तो इसमें से निकाल के इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। तो चलिए इसे इस प्रकार निकाल के सिंपली आपको ये नए वाले टैब को उसमें फिक्स करना है। और कटिंग प्लेयर की मदद से इसे फुल टाइट कर देना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर जो इसका ऑन ऑफ का नॉब है इसको फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम स्क्रू लगा के स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर का जो कैप है कुछ इस प्रकार लगा के हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और आप देख सकते हैं पानी लीकेज की प्रॉब्लम जो थी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार आप 50 से 60 रुपए में आपके घर का टैब रिपेयर कर सकते हैं, आपको किसी प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।